जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड नाम में ही कंपनी की ग्रोथ लगा है, तो एक बात आप मानकर चलिए कि यदि इस कंपनी में का इन्वेस्टमेंट है तो आपका ग्रोथ हो ही रहा होगा, मैं यह मानकर चलता हूँ। और नहीं भी हो रहा है तो जिस तरीके से इस कंपनी का फंडामेंटल आपको ग्रो करते हुए दिख रहा है उसका बदौलत कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अब इस कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आएगी। और जब शेयर प्राइस में तेजी आएगी तो आपका जो पोर्टफोलियो है इस स्टॉक का बदौलत तो भी ग्रो करेगा ही करेगा। ये मैं आपको जब पूरे डिटेल में वीडियो का एनालिसिस करके बताऊंगा तो आप भी आसानी से समझ पाएंगे कि इन्वेंचर ग्रोथ के बारे में जो भी मैंने बातें बताई कोई हवा हवाई बातें नहीं है। शुरुआत शुरू से करते हैं। देखिए, 1.90 रुपये प्रश्न अपना क्लोजिंग दिया है, तकरीबन 2.70% की तेजी के साथ। ये तेजी सिर्फ एक दिन की है। एक समय आता है जब मार्केट में जब पेन स्टॉक में तेजी आती ही आती है, वो अभी पेन स्टॉक का समय चल रहा है भारतीय स्टॉक मार्केट में। पिछले एक सप्ताह में देखेंगे, एक सप्ताह में तो इसमें कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। इसका रीजन है कि जहाँ पर एक सप्ताह पहले इसने अपना ओपनिंग किया था प्राइस का, वहीं पर इसने अपना क्लोजिंग कर दिया, इसलिए इसमें कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है। पिछले एक मंथ में देखेंगे तो एक मंथ में भी कोई तेजी देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि पिछले एक मंथ में भी जिस प्राइस पर ये ओपन हुआ था उसी प्राइस पर इसने अपना क्लोजिंग दे दिया था। इसलिए जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो चार्ट पर कोई तेजी या गिरावट देखने को आपको नहीं मिलती है। पिछले सिक्स मंथ में देखेंगे तो सिक्स मंथ का रिटर्न अभी भी 30% के आसपास निगेटिव में दिखेगा, क्योंकि लंबी अवधि में तो आपको पता है कि इन्वेंचर ग्रोथ में गिरावट देखने को मिल रहा था। हालांकि अभी देखेंगे अप्रैल 2023 के बाद तो इस स्टॉक में गिरावट ठहर सा गया है और ये प्राइस अभी कंसोलिडेट कर रहा है। चार्ट पर मैं आपको जो दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि, और ये भी मैं बताऊंगा कि प्राइस अभी कंसोलिडेट क्यों कर रहा है और ये कंसोलिडेशन से बाहर कब निकलेगा, यानी कि ऊपर कब जाएगा। यहाँ पर आगे हम लोग इन्वेंचर ग्रोथ एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड का सबसे पहले हम लोग यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से, यानी कि कंपनी के चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि प्राइस शॉर्ट टर्म में ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और अभी इसमें तेजी लंबी अवधि में कब बनेगी। तो अभी हम लोग आ गए हैं कंपनी के चार्ट पर। यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक साल का चार्ट ओपन कर लिया है। एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो आप पाएंगे ये जो लेवल है 2 रुपये 50 पैसा के, 2.5 रुपये का लेवल है। यहाँ पर फरवरी 2023 में देखेंगे तो गिरावट, और फरवरी 2023 में लगभग ज़्यादातर पेन स्टॉक में गिरावट आया था, क्योंकि भारतीय शेयर मार्केट में क्या होता है कि जब गिरावट आता है तो ज़्यादातर पेन स्टॉक्स में गिरावट ही देखने को मिलेगा, और जब तेजी आता है तो ज़्यादातर पेन स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अप्रैल 2023 के बाद देखेंगे तो गिरावट आया, गिरावट होना शुरुआत सीधे इसका प्राइस 2.50 रुपये से 1.50 रुपये पर आ गया और यहाँ पर इसने अपना आकर सपोर्ट लिया। अब देखिए, प्राइस जब गिरता है तो कहीं ना कहीं तो सपोर्ट लेगा, या इस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया और इसके बाद फिर अप्रैल 2023 के बाद जो तेजी बनना शुरू हुआ सीधे पहुँच गया 2 रुपये के आसपास। अब 2 रुपये के आसपास देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा इसके लिए रेजिस्टेंस था, तो इसी रेजिस्टेंस के अभी आसपास इसका प्राइस पड़ा हुआ है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि 2 रुपये से लेकर जो 1.5 रुपये का एरिया है इसी के बीच में इस कंपनी का शेयर प्राइस आपको घूमते हुए नजर आ रहा है। कमाल की बात यह है कि प्राइस ऊपर नीचे की तरफ नहीं घूम रहा है, ये प्राइस अपने रेजिस्टेंस के पास घूम रहा है, यानी कि 2 रुपये के आसपास घूम रहा है। और जब भी ये कंसोलिडेशन सब ब्रेक करेगा प्राइस ऊपर ही जाएगा, यानी कि 2 रुपये से सीधे आपको 2.5 रुपये के आसपास जाते हुए दिखेगा। और यहाँ पर जो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम है, यहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग होगा और उसके बाद फिर थोड़ा सा प्राइस रिवर्स मार के ऊपर निकलेगा, तो ये 2.5 रुपये के लेवल को ब्रेक करते हुए प्राइस और ऊपर चला जाएगा, 3-4 रुपये तक आपको जाते हुए ये दिख सकता है। ये मैं शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ और इसके लिए जरूरी है कंपनी के क्वार्टर फोर के नंबर जल्दी आ जाएं और अच्छे आ जाए, तो ये तेजी आपको बहुत जल्दी इसमें देखने को मिलेगी। कंपनी के काम और फंडामेंटल की शुरुआत शुरू से करते हैं। देखिए, सबसे पहले कंपनी जो है ये काम क्या करती है, तो इसके यदि काम की बात करें तो ये स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है और कहीं ना कहीं ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करने वाली कंपनी है। और जब हम स्टॉक ब्रोकिंग की बात करते हैं तो जैसे आपने एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन करा लिया या अपर स्टॉक में अकाउंट ओपन करा लिया डीमैट अकाउंट, तो उसी तरीके की ये कंपनी भी सुविधा प्रोवाइड कराती है। अब यहाँ पर फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट का तकरीबन 150 करोड़ के आसपास है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और शेयर प्राइस देखेंगे तो यहाँ पर बुक वैल्यू से कम है, ये थोड़ी सी चिंता की बात है। शेयर प्राइस हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन उतनी भी चिंता की बात नहीं। जब शेयर प्राइस में तेजी आ ही रही है तो जाहिर सी बात है कि शेयर प्राइस इसका बुक वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगा। सबसे कमाल की बात है कंपनी का आरओई और आरओसी देखिए 6%, 7% और 8% के आसपास है, ये काफ़ी बढ़िया है। यानी कि आपके इन्वेस्टमेंट पर कंपनी साल भर में कुछ ना कुछ क्या बहुत अच्छा रिटर्न आपको निकाल कर देगी यदि इसमें आपका इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी ये तकरीबन 7% के आसपास है। और क्वार्टरली रिजल्ट में जब आप देखेंगे तो सबसे पहले यदि हम लोग जब सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स देखिए क्वार्टरली रिजल्ट में अभी कंपनी के सेल्स हुआ है दिसंबर क्वार्टर में 12.93 करोड़, यानी कि तकरीबन 13 करोड़ के आसपास हुआ है। हालांकि उसके पहले क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर टू में देखेंगे तो ये 13.28 करोड़ गया था, उसके मुकाबले क्वार्टर थ्री में रिजल्ट थोड़ा सा कमजोर आया है। लेकिन जैसे मैं कह रहा हूँ क्वार्टर फोर का नंबर आएगा तो उसमें ये आपको फिर से सेल्स कंपनी का बढ़ते हुए दिखेगा। और भले क्वार्टर थ्री में सेल्स पिछले क्वार्टर के मुकाबले आपको थोड़ा सा कमजोर होते हुए दिखाई देगा, लेकिन नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका बढ़ते हुए ही दिखाई देगा। देखिए, नेट प्रॉफिट दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट में 1.44 करोड़ हुआ, जो पिछले क्वार्टर में 1.43 करोड़ था, उसके पहले थोड़ा और कम था। यानी कि देखिए, भले सेल्स में थोड़ा सा ग्राउट हुआ है लेकिन नेट
प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है, इसके पीछे की वजह है कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो आपको बढ़ते हुए दिखेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि कंपनी के मेन बिजनेस से जो कमाई होती है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं, और ये आपको लगातार बढ़ते हुए दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, और जब सब काम प्रॉफिट का है, कंपनी के पास प्रॉफिट बढ़ रहा है, कंपनी का प्रॉफिट हो रहा है, तो कंपनी के पास पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है तो कंपनी के पास थोड़ी बहुत कर्ज होगी, तो कंपनी वो भी कर्ज आसानी से चुका देगी। और सबसे कमाल की बात है वेंचर ग्रोथ में, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है, जो मतलब प्रमोटर्स हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में देखेंगे तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अच्छी खासी है, यानी कि कंपनी के जो मालिक हैं उनका इस कंपनी पर, अपनी कंपनी पर भरोसा है, वो इस कंपनी से बाहर नहीं जा रहे हैं, तो पब्लिक का भी भरोसा इस स्टॉक के प्रति बढ़ रहा है। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है तो आपको बने रहना है, समय देना है। तो उम्मीद करता हूँ वेंचर ग्रोथ और सिक्योरिटीज लिमिटेड के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। यदि आप नया इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपनी रिसर्च और एनालिसिस करके रिस्क लेने की जितनी कैपेसिटी, क्योंकि शेयर मार्केट में हमेशा वही पैसा लगाते हैं जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना पैसा इसमें लगा सकते हैं। इससे स्टॉक से रिलेटेड कोई भी सवाल हुआ तो आप हमसे कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से जुड़ कर बातें करने के लिए मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी यदि ट्रेडिंग करके रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप एमएस स्टॉक में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, क्योंकि उसमें जीरो ब्रोकरेज लगता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।